बिहार के बाद अब दिल्ली एनसीआर में एक चीनी नागरिक और उसकी भारतीय गर्लफ्रेंड को हिरासत में लिया गया है। आरोप यह है कि वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक नोएडा पुलिस ने उसे गुरुग्राम से हिरासत में लिया है। फिलहाल इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के अतिरिक्त SP विशाल पांडे ने कहा कि आज हमें बिहार के सीतामढ़ी में सुरसंड PM से सूचना कि दो चीनी नागरिकों को SSB ने गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस ने उन्हें सीमा पार करने की कोशिश करने के दौरान गिरफ्तार किया है। उनके पास भारतीय वीजा नहीं था। सुरसंड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बिहार पुलिस को बताया कि वे ग्रेटर नोएडा के JP ग्रीन्स में अपने चीनी दोस्त के यहाँ ठहरे हुए थे। उस आधार पर चीनी नागरिक की पहचान की गई और उसे नागालैंड की रहने वाली महिला मित्र के साथ हरियाणा के गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया। कल 12 जून को थाना सुरसंड सीतामढ़ी बिहार के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि दो चीनी नागरिक द्वारा बॉर्डर पार करते समय जिनके पास भारत का वीजा नहीं था उनको SSB के द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा सुरसंड थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूछताछ पे उन्होंने बताया है कि वह JP ग्रीन ग्रेटर नोएडा में अपने चीनी नागरिक मित्र के पास रुके थे। इस आधार पर उस चीनी नागरिक की पहचान की गई तथा गुरुग्राम हरियाणा से चीनी नागरिक को व उनकी महिला मित्र जो कि नागालैंड कोहिमा की रहने वाली हैं उनको पुलिस हिरासत में लिया गया। वास्तविक पूछताछ की गई, आवश्यक अभिलेख देखे गए तो यह पता चला कि चीनी नागरिक का जून 2020 में वीजा समाप्त हो चुका है। उनके द्वारा फोर्ज करके उस पर जून 2022 अंकित किया गया है। इन्होंने वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया है तथा साथ ही डॉक्यूमेंट फोर्स डॉक्यूमेंट प्रयोग किया है। सुसंगत धाराओं में चीनी नागरिक के विरुद्ध व उनकी महिला मित्र जो कि उनका साथ दी है जो कि भारतीय नागरिक है उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य सुरक्षा एजेंसियां आवश्यक पूछताछ कर रही हैं। SP विशाल पांडे की माने तो पूछताछ के दौरान यह पाया गया कि चीनी नागरिक का वीजा जून 2020 में समाप्त हो गया था और उसने इसे 2022 के रूप में दिखाने के लिए जाली बनवाया था। उसने वीजा शर्तों का उल्लंघन किया और जाली दस्तावेज का इस्तेमाल किया। फिलहाल पुलिस ने इस चीनी नागरिक को उसकी महिला मित्र के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 के लिए दीप मेहता की रिपोर्ट।